तो हेलो मरहबा नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस ब्लॉग्स एंड दिस इज योर बॉय मोहम्मद मेहता हुसैन। फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी करीब करीब रात के 9 बज रहे और मैं क्या करने जा रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ मैं किस लिए रात के 9 बजे आज वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों का मुझसे क्वेश्चन है कि मैं आजकल चैनल पर कभी न्यूज़ अपलोड कर देता हूँ, कभी गेमिंग का कुछ अपलोड कर देता हूँ, कभी मोबाइल अनबॉक्स कर देता हूँ। तो भाई साहब सीन ऐसा है कि अभी फ़िलहाल जो कोविड के लिए हम बाहर नहीं जा सकते, अभी बाहर नहीं जा सकते तो क्या बनाएंगे भाई, बाहर ही नहीं जा सकते। अब कम से कम अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट भी खुला होता तो कम से कम कुछ बना लेते हम कहीं आसपास में जाके, या फिर अपन अपने आसाम के अपर आसाम या लोअर आसाम में कहीं पर जाके कुछ बना लेते, लेकिन अभी वो सीन है ही नहीं। तो इसीलिए जो भी है एंटरटेनमेंट के नाम पे मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं घर से कर रहा हूँ। तो आज हम लोग करने वाले हैं इसका अनबॉक्सिंग। अब आप लोग सोच रहे हैं ये क्या है मैं बताता हूँ। तो कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ बहुत लोग, लाइट का थोड़ा इशू है, आई एम सॉरी, थोड़ा सेट ले लेता हूँ। तो कुछ दिनों से बहुत लोगों को खाते हुए देख रहा हूँ मैं, एक्चुअली बारहवीं क्रिएशन का बॉक्स खाते हुए देख रहा हूँ मैं बहुत लोगों को। तो मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं ज़्यादा अलग नहीं हुआ, थोड़ा ही अलग हुआ, जस्ट ब्रांड चेंज हुआ, बाकी मुझे अलग नहीं हुआ, क्योंकि ब्रांड भी चेंज नहीं होता, सेम ही होता। एक्चुअली हुआ क्या, मैं जब ऑर्डर करने गया तब वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मुझे दूसरा कंपनी से ऑर्डर करना। अभी बता दो क्या ऑर्डर किया है, क्या खाने वाले हैं, क्या होने वाला है इस वीडियो में, तो शुरुआत करते हैं अभी। तो बारबेक्यू नेशन का जैसे आप लोग सभी लोगों को पता होगा एक बॉक्स आता है, तो उसमें बहुत सारे आइटम्स रहते हैं, तो उसमें वेज नॉन वेज का भी ऑप्शन रहता है। तो आज पता नहीं क्या हुआ उसमें नॉन वेज का ऑप्शन नहीं था, बहुत दुख लगा मुझे बारबेक्यू नेशन वालों, ये तुमने मुझे अंतरात्मा को दुख दिया है। वैसे मैंने आप लोग बारबेक्यू नेशन का पहले बॉक्स ट्राई किया हुआ है, लेकिन आज जो बॉक्स मैं खोलने वाला हूँ ये है एब्सोल्यूट बारबेक्यू। तो एब्सोल्यूट बारबेक्यू मैं कभी पर्सनली गया नहीं हूँ, जब से हमारे गुवाहाटी में खुला है, तो इसलिए सोचा कि चलो जो चीज़ ट्राई नहीं किया है उसी को ट्राई करते हैं और उसी का रिव्यू डालने का कोशिश करते हैं हम लोग, क्या आता है बॉक्स में, कितना प्राइस पड़ता है, कितना सारा आइटम है, और उन आइटमों को अगर हम मार्केट में वन बाई वन लेने जाए तो ऑल टोटल प्राइस कितना होता है, और वो लोग मुझे कितने भी दिए तो सब चीज़ मैं बताता हूँ, और बॉक्स के अंदर क्या क्या कितना सारा आइटम आता है वो भी बताता हूँ। अभी पहले बॉक्स का अनबॉक्सिंग करते हैं फिर दिखाते हैं बॉक्स का। पैकेजिंग भी काफ़ी सही लग रहा है मुझे, काफ़ी मतलब सुंदर पैकेजिंग है। खोलते हैं पहले बॉक्स को, देखिए थोड़ा सा लाइट का कमी है, उसके लिए मुझे अफसोस है, क्योंकि अभी मेरे रूम में दो ही लाइट है, मुझे दस बजे लाइट मिले हैं। तो अपने लोग पहले बॉक्स का अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या है, क्या क्या दिया गया है बॉक्स में। बॉक्स का जो पैकिंग है भाई साहब काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, बॉक्स का पैकिंग मतलब बॉक्स का पैकिंग मुझे अगर हम लोग रेट दे सके तो बोलने से 10/10 का जो पैकिंग किया गया है काफ़ी अच्छा पैकिंग है बॉक्स का। तो बॉक्स में कुछ इस तरह से रखा गया है सारा सामान, मैं अभी एक एक करके सारा निकालता हूँ, और जितना मुझे दिख रहा है पैकिंग भी काफ़ी सुंदर है, मतलब बोलने से ये भी 10/10 है पैकिंग भी इसका। तो अब इसको एक एक करके निकालते हैं, फिर डब्बों से देखते हैं डब्बों में क्या क्या है, एक एक करके सारा आइटम्स बताता हूँ मैं, कितना सारा आइटम्स दिया गया है और क्या क्या आइटम है। उसके बाद इन्हें हम प्लेट में सर्व करेंगे, उसके बाद हम खाएंगे, क्योंकि ऐसे खाने में मज़ा नहीं आएगा, प्लेट में सर्व करेंगे, घर में प्लेटों की कमी नहीं, प्लेटें ही प्लेटें भाई साहब, सारे प्लेट लाए जाएंगे अभी मम्मी के द्वारा। हम मम्मी को हुक्म देते हैं थोड़ी देर बाद, पहले ये सामान निकाल लेते हैं। तो अभी जो है हमारे पास 7 बाटी है, और ये जो 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे पास बक्से हैं, और ये एक रोटी है, इसमें देखने में से पता चलता है। तो ऑल टोटल हमारे पास कितना गया, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक हुआ हिसाब में गलत हुआ, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ठीक है, 13 आइटम फिलहाल मुंह के सामने में है, एक एक करके खोला जाएगा फिर देखते हैं क्या क्या निकलता है। तो अभी एक एक करके खोला जाए और देखा जाए क्या क्या है इसमें। तो इसमें शायद ये मेयोनीज दिया गया, शायद दिखने में तो मेयोनीज लग रहा भी है कि नहीं पता नहीं, चलो इसमें मेयोनीज है। मैंने कहा पैकिंग जो इन लोगों ने दिया है काफ़ी 10/10 पैकिंग है, इसमें रायता है, इसमें रायता दिया गया है, सुगंध भाई साहब कहता है मतलब पूरा रूम सुगंध हो गया मेरा खाने के वजह से।
ओके, ये शायद चिकन बटर मसाला है। ओके, हाँ चिकन बटर मसाला। साइंस से पता चलता है मुझे कौन सा आइटम क्या है, क्योंकि देखने में तो पता नहीं चलता, फिर भी चिकन बटर मसाला है वो। इसमें देखा जाए क्या है, इसमें रोगन जोश है मटन का, ये मटन का आइटम है रोगन जोश। इसमें गुलाब जामुन दिया गया, एक शायद किसी ने खा लिया, खाया नहीं शायद, टूट फूट गया शायद। गुलाब जामुन, इसमें और मिठाई है कुछ, रसगुल्ला टाइप। चलो इसमें देखते हैं, इसमें शायद सलाद होगा, नहीं ये पेस्ट्री है, इसमें पेस्ट्री दिया गया है। तो हमारे डेजर्ट के लिए तीन आइटम दिया गया, मेन कोर्स के लिए दो आइटम है, और ये जो दो है इसको तो हमारे इसके साथ खाना है, बिरयानी के साथ। इसमें देखते हैं क्या दिया गया है, काफ़ी जहर वाला पैकिंग किया है इन्होंने, एक्चुअली मुझे चाकू लाना चाहिए था। तो इसमें भाई साहब हमारा दिया गया है, और ये प्रॉन्स है, प्रॉन मतलब झींगा मच्छ, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं उसको, हम लोग तो झींगा मछली कहते हैं, प्रॉन्स। इसको खोला जाए, सही हमारा चाकू आ चुका है, बड़ी आसानी के साथ खोला जा रहा है अभी। इसमें सलाद है भाई साहब, तो सलाद भी मिल गया हमें, ये तो बिरयानी, इसको खोल लिया अंदर गा रहे, इसको साइड कर देते हैं, अभी बिरयानी है। तो इसमें क्या है देखा जाए, ओके इसमें है फ्राइड चिकन। फिर लास्ट डब्बा खोलते हुए हम, इसमें प्लेन राइस दिया गया है। ठीक है, तो पैकिंग अनबॉक्सिंग सब कुछ हो चुका है यहाँ पे हमारा, एक बार देख लीजिए आप लोग। भाई साहब जो मेहनत है ना पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग करने का, बहुत ख़तरनाक मेहनत है। तो सारा का सारा आइटम यहाँ पे रखा गया है, और ये जो बॉक्स मैंने ऑर्डर किया है, पंखा का थोड़ा आवाज़ है सॉरी, मतलब काफ़ी गर्मी लग चुका है मुझे। तो ऑर्डर का बॉक्स का नाम है जेनी बफेट बॉक्स, जीनीस बफेट बॉक्स, मतलब शायद अलादीन का चिराग को घिसने से ये बना था, इसलिए शायद इसका नाम जीनीस बफेट बॉक्स रखा गया है। तो जो भी हो, तो इन सबको अभी टेस्ट करना है, और आप लोगों को मैं रिव्यू देता हूँ आइटम कितना स्वादिष्ट है कितना नहीं है। तो अभी प्लेटें लाए जाएंगे, उसके बाद हम लोग खाना शुरू करेंगे, मतलब मैं खाना शुरू करूँगा। इतना सारा आइटम खाना है मुझे, 17 का 17 आइटम मुझे खाना है, काफ़ी खुश हूँ मैं। तो हम खाने के लिए तैयार है अभी। अभी हमारे पास ये मैंने बिरयानी ले लिया है, रोटी ले लिया है, चिकन बटर मसाला के साथ, थोड़ा सा ग्रेवी के साथ मैं ट्राई करूँगा बिरयानी, और रायता तो है ही भाई बिरयानी के साथ, तो क्या बोले, सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा। तो अभी खाने का शुरुआत करता हूँ, आप लोग को बताता हूँ मैं टेस्ट कैसा है खाने का। हल्का सा, एकदम हल्का सा मैंने सारे आइटमों को, जो मतलब जितने भी आइटम हैं, 30 सेकंड के लिए मैंने माइक्रोवेव पे गर्म किया है, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो गया था वीडियो बनाते बनाते, तो इसकी वजह से थोड़ा सा गर्म किया है मैंने, ताकि जो टेस्ट है अच्छा सा मिले गर्म वाला। तो सबसे पहले मैं लूँगा अपना चिकन बटर मसाला, और जो बिरयानी है, बिरयानी में भी चार पीस तक चिकन दिया गया है, तो हम अपने करेंगे हाथों का इस्तेमाल, क्योंकि भाई साहब हमें खाने में चम्मच उम्मच ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हम हाथों से खाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं खाने को, और बहुत सारा आइटम है अभी चेक, मतलब टेस्ट करने में एक एक करते करते। तो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे, जो थोड़ा स्लीव्स रोल कर लेता हूँ, टेस्ट करेंगे हम बिरयानी और चिकन बटर मसाला एक साइड से, देखें कैसा है टेस्ट। सही टेस्ट है भाई, मुंह में देते ही मतलब जीभ में पानी आ गया, तो सोचिए कैसा टेस्ट होगा। काफी सही है, बिरयानी का चिकन भी अच्छे से बनाया गया है। अभी हम थोड़ा रोगन जोश से ट्राई करते हैं कैसा है, मटन भी एक पीस ले लेते हैं।
मैं जितना जानता हूँ रोगन जूस में स्पाइस होता है जो मैं नहीं खाता, फिर भी मैं ट्राई करूँगा क्योंकि खाने में हर चीज़ ट्राई करना चाहिए। रोगन जूस भी काफ़ी सही है और स्पाइसी बहुत कम है रोगन जूस में। काफ़ी सही। तो ये जो रोटी है, रोटी एक्चुअली थोड़ा टाइट हो चुका है तो इसलिए मैं रोटी अभी ट्राई नहीं करूँगा, लेकिन बटर रोटी है मैं ये बता दूँ आप लोग को, जब मिले तो इंस्टेंट खाइए जब रोटी नरम मिले। अभी तो रोटी थोड़ा टाइट हो चुका है क्योंकि बहुत टाइम से ऐसे रखा हुआ है। तो एक हिसाब से स्टार्टर्स में आता है कि मेन कोर्स में आता है मुझे पता नहीं, लेकिन इसको थोड़ा मैं लेट खा रहा हूँ। तो ये है अपना झींगा मछली मतलब प्रॉन्स, प्रॉन्स काफ़ी सही है, बस प्रॉन्स में स्पाइस बहुत है। अगर आप लोग स्पाइस लवर हो तो आप लोग को बहुत पसंद है, काफ़ी सही बात है। और ये ऐसे चिकन ही है, हाँ ये चिकन है। ओके ये बोनलेस चिकन है, वो बोन के साथ चिकन है। प्रॉन्स के साथ जो चिकन दिया गया है वो बोनलेस है और ये बोन वाला है। काफ़ी सही है, काफ़ी सही है, बहुत टेस्टी है खाना। मतलब ये जो जीनी बॉक्स मैंने आपको दिखाया, मैंने जो ऑर्डर किया, ये बॉक्स में दो जन का खाना आराम से मिल जाएगा, मतलब दो जन पेट भर के खा पाएंगे इतना आइटम है। और उनको क्वांटिटी भी बहुत दिया गया, क्वांटिटी कम नहीं क्वांटिटी भी काफ़ी दिया गया है। और हमारा लाइट यहाँ पे धीमिक धमक करते हुए, थोड़ा सा रायता ट्राई करते कैसा बना है रायता। काफ़ी सही है भाई साहब, काफ़ी सही है। मैंने नींबू मैंने दिखाई नहीं, तो अभी इतना मज़ा आएगा, नींबू ले लिया है। मुझे एक्चुअली इससे चिकन बटर मसाले से रोगन जोश का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा, सैलड भी है। अगर आप लोग मिर्ची खाते तो मिर्ची भी दिया गया है, मिर्ची भी खा सकते हैं। और बाकी तो मैं अभी अपना ये कंप्लीट कर लेता, उसके बाद मतलब जो है ये मैं कॉम्प्लीट खा लेता हूँ, उसके बाद डेजर्ट्स खाएंगे। तो खा के मिलता हूँ आप लोगों से। खाना हो गया है, छाल लग चुका है मुंह में, तो अभी खाएंगे अपन। अरे क्या है ये, तो अभी अपन खाएंगे ये केक। केक खाते हैं, थोड़ा मुंह को मीठा किया जाए खाने के बाद। ओके ब्रो लेट्स हैव सम चॉकलेट केक। साला उठता ही नहीं है, इतना सॉफ्ट है केक, तोड़ने के बाद टूट गया। भाई केक भी काफी टेस्टी है, ऐसा लगा कि मैं केक नहीं फाइव स्टार खा रहा हूँ, इतना क्रीमी है केक। तो अभी मैं आप लोग को इसका दाम बताता हूँ, इस बॉक्स का जो जीनी का बॉक्स हमने ऑर्डर दिया था, इसका दो वर्जन है, एक नॉन वेज का वर्जन है, एक वेज वाला वर्जन है। वेज वाला 549 का आता है और जो ये है ये कुछ आपको 6 something का आता है, 698 पर कुछ ऐसा कुछ आएगा, तो उसको टैक्स वैक्स लगा के 700 हो जाता है। मतलब जोमेटो से ऑर्डर करने से, वहाँ पे जाके खाने से तो 700 या समथिंग है, जो भी हो। पर इसी ने ऐसा है, ऑर्डर करने के बाद 700 तक कुछ आ जाता है, 728 रुपीज़ या 730 रुपीज़। तो मेरे पास जोमेटो का डिस्काउंट था क्योंकि मैं ये सब ऑर्डर करके बहुत कम खाता हूँ, तो मुझे डिस्काउंटों की कमी कभी नहीं रहती है मेरी जिंदगी, मुझे डिस्काउंट हमेशा रहता है। तो मुझे ऑल टोटल मेरा 100 रुपीज़ माइनस होकर 677 का बिल हुआ, वो मेरा जो मैंने उन लोग को ऑनलाइन पेमेंट किया।
ऑनलाइन पेमेंट के बाद उसका भी मुझे कैशबैक मिला, मतलब मेरे कार्ड से मैंने जो किया था उसका भी मुझे, तो मुझे ये पड़ा 400 रुपये का, लेकिन आप लोग को मतलब पड़ेगा आपको 700 रुपये का। एक्चुअली सीन अभी ऐसा है, अगर आप लोग एक एक आइटम का भी दाम पकड़ने जाए मिनिमम दाम, जैसे रोगन जोश तो आपको 200 के नीचे मिलेगा नहीं, फिर भी मैं 150 पकड़ता हूँ। बिरयानी हो, बिरयानी का आइटम जितना क्वांटिटी मिला है 200 के नीचे नहीं मिलेगा, फिर भी 150 पकड़ दो, 150-150-300 तो दो आइटम में हो जाता है भाई साहब। हमारे पास यहाँ पे 17 आइटम, चलो फिर भी हमने रसगुल्ला निकाल दिया, केक वेक निकाल दिया, मेयोनीज निकाल दिया, रायता निकाल दिया। उसके बाद अपन के पास बचता है प्रॉन्स। प्रॉन्स का जो मार्केट वैल्यू है भाई, बहुत हाई लेवल का वैल्यू है। तो जिस प्राइस पॉइंट में 700 प्राइस पॉइंट या 689 या 659 का प्राइस पॉइंट में आपको ये मिलेगा, ये बॉक्स काफ़ी मतलब वर्थ ऑफ द मनी है, मतलब जो पैसा है वो वसूल हो जाएगा खाने के बाद, और खाना भी काफ़ी टेस्टी है भाई साहब, काफ़ी टेस्टी है। तो मैं ज़रूर कहूँगा आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा एब्सोल्यूट बारबेक्यू का ये बॉक्स। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, साथ में नीचे कमेंट में ये भी बताएं कि और किसी को, मतलब जैसे बारबेक्यू नेशन का भी बॉक्स होता है उनका भी बॉक्स खोल के दिखाओ कि नहीं दिखाओ आप लोगों को, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा नीचे। तो तब तक के लिए ये डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट टेल योर मॉम थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ द डे, सी यू सून इन अ नेक्स्ट ब्लॉग वेरी सून। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट।